17 आपका होस्ट, दोस्त, चीफ कोच, लाइफ कोच और मेंटोर भी। और आज फिर एक बार हम आपके सामने वीडियो लेके उपस्थित हैं कैसे हमारे बत्रासर ऐप द्वारा आप ESSM के ITSM के टेस्ट को दे सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आपके पास प्ले स्टोर में हमें जाके इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो प्ले स्टोर में हम टाइप करेंगे बत्रासर। जैसे ही बत्रासर टाइप करेंगे तो आप देखें सबसे पहले हमारा ऐप आपको सर ऐप फॉर CA प्रिपरेशन, आपको इसको क्लिक करना है और उसके बाद ओपन करके इसको इंस्टॉल कर देना है। क्योंकि ये मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है इसलिए उतना समय अपन इसमें नहीं गंवाएंगे, सीधा हम देखते हैं इस ऐप की डिफरेंट फैसिलिटीज़ को, कैसे आप टेस्ट को दे सकते हैं। तो देखें बत्रासर ऐप हमारे पास अवेलेबल है, ये इसका लोगो है, हम क्लिक करते हैं ये ऐप हमारे सामने अपीयर हो जाता है। जैसा कि आप सबको पता है पिछली बार हमने एक और वीडियो द्वारा आपको इस ऐप का पूरा टूर करवाया था, तो मैं उसमें समय नहीं गंवाऊँगा, आपको वो लिंक इसमें दे दूंगा। अगर आप पहली बार इस ऐप को देख रहे हैं तो आप उस वीडियो के लिंक द्वारा इसके टूर को समझ सकते हैं। मैं सीधा इस बार इस वीडियो द्वारा आपको डिफरेंट टेस्ट को कैसे दे सकते हैं और अपने आप को ESSM और ITSM में इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी तरफ ले जाना चाहूँगा। तो आप देख रहे हैं ये इसका इनिशियल स्क्रीन है, ये इनिशियल पहला होम स्क्रीन है इसका। नीचे की तरफ तीन बटन है, रादर पांच बटन है, ई बुक, स्टडी पैकेजेस, टेस्ट प्रिपरेशंस, वीडियोज़ एंड स्टोर्स। आपको इसमें तीसरा बटन टेस्ट प्रिपरेशन पर क्लिक कर आप तीसरे बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इमीडिएटली हमारे बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टेस्ट हैं, करीब आपको काफ़ी सारे टेस्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दिख रहे हैं, नीचे आपको EIS के दिख रहे हैं और बहुत सारे ड्यू कोर्स और टाइम में और भी ITSM के इसका के टेस्ट आने जा रहे हैं। चलिए बिना समय गंवाए हुए एक टेस्ट कैसे दिया जाता है और कैसे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं इसको अपन समझते हैं। तो ये रहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक टेस्ट आपके सामने। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखें वेलकम जितेंद्र सिंह, इसने मेरी जो भी जिस तरीके से आप इसमें लॉगिन करेंगे आपको जानकारी दे देगा। जनरल इंस्ट्रक्शन देखें टेस्ट देने के क्या है। नंबर वन, कैंडिडेट कैन आंसर वन क्वेश्चन एट अ टाइम। सेकंड, सीक्वेंशियली क्वेश्चंस विल बी शोन एट द लेफ्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। थर्ड, ईच क्वेश्चन हैज़ फोर पॉसिबल आंसर। जैसे आपको मालूम है हमारे MCQ में चार आंसर्स हुआ करते हैं, वो आपको देंगे, तो 30 मार्क्स आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन चूज वन राइट आंसर आउट ऑफ अ फोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। फोर्थ, सॉल्व द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द स्क्रीन। फिफ्थ, आफ्टर सेलेक्टिंग द आंसर टू द क्वेश्चन टू मूव फॉरवर्ड क्लिक और नेक्स्ट बटन। तो आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं फॉरवर्ड भी जा सकते हो, दो बटन आएंगे इसमें। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रैंडमली। द फॉलोइंग लेजेंड एट द राइट हैंड साइड डिस्प्ले द ऑप्शंस। नॉट विजिटेड है उसका कलर अलग आएगा, नॉट आंसर्ड है रेड में आ जाएगा, आंसर्ड है वो ब्लू में आ जाएगा, क्वेश्चंस जो करंट है वो हमारे पास में ग्रीन में आ जाएगा और जो नॉट विजिटेड है वो वाइट में आ जाएगा। सेवन, द क्लॉक एंड द अपर राइट साइड ऑफ द स्क्रीन शोज द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, कितने समय में आपको देना है। नेक्स्ट, एनी टाइम यू कैन सबमिट द टेस्ट बाय क्लिकिंग on the complete quiz button on the test and test will appear be submitted after the time has elapsed। या तो आप पहले ही उसको abruptly बंद कर दें या फिर पूरा टेस्ट का समय खत्म हो जाने के बाद ये बंद हो जाएगा। नाइन्थ, आफ्टर कंप्लीटिंग द क्विज कैंडिडेट विल सी द रिजल्ट फॉर द टेस्ट क्वेश्चंस एंड आंसर डिटेल्स। दिस हेल्प द कैंडिडेट टू एनालाइज हिज और हर परफॉर्मेंस। तो आपके बाद डिटेल एनालिसिस पता चलेगा आपने कौन से क्वेश्चन सही दिए थे, आंसर कौन कौन से रॉन्ग दिए थे। तो ये रहा आपके पहले टेस्ट के बारे में शुरुआत करने के कुछ जनरल और इंस्ट्रक्शंस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहला सेट हम देने जा रहे हैं। पहला, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 1 आवर। तो अलग अलग हमने ड्यूरेशन रख रखे हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा एंड सो ऑन। एग्ज़ाम में आपको 54 मिनट्स करीब मिलने जा रहे हैं इसको एग्ज़ाम को देने के लिए, इसीलिए हमने करीब 1 घंटे का टेस्ट रखा है 30 मार्क्स के लिए। सेकंड, 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो मार्क्स फॉर द अनआंसर्ड क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जैसा आपको पता है। 0 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अपन क्विज को। तो स्टार्ट क्विज पे बटन पे मैं प्रेस करने जा रहा हूँ और क्वेश्चंस मेरे सामने सीक्वेंशियली अपीयर होंगे। तो स्टार्ट क्विज पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें मेरे लिए आ गया टेस्ट प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फर्स्ट टेस्ट। शुरुआत करना है, स्टार्ट द टेस्ट। जैसे मैं शुरू करता हूँ ऊपर देखो 1 घंटे का समय था, शुरू हो गया समय 59:56 है ना, तो ये धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाएगा। लिखा आ रहा है टेस्ट प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब पहला सवाल मेरे सामने है, आप देख रहे हैं इसके चार आंसर्स भी दे रखे हैं। नीचे लेफ्ट हैंड साइड में प्रीवियस और नेक्स्ट बटन आ रहा है और कंप्लीट क्विज का मेरे सामने बीच में सेंटर में बटन आ रहा है। तो चलो एक एक सवाल पढ़ते जाते हैं, सवालों के जवाब देते जाते हैं। पहला सवाल, बिजनेस पॉलिसी टेंड टू एम्फेसाइज ऑन विच आस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चार इसके आंसर हैं, सिस्टम एनालिटिकल, पोर्टफोलियो एनालिटिकल,
क्रेडिट एनालिटिकल, रैशनल एनालिटिकल। तो देखो आपको पता होना चाहिए बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पहला था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उससे ये सवाल है, तो इसका सही आंसर है रैशनल एनालिटिकल, है ना। तो मैं फोर्थ का क्लिक कर देता हूँ इसमें, तो ये पहला जवाब हो गया मेरा। इस तरीके एक सवाल को आपको पढ़ते जाना है, चार पॉसिबल अल्टरनेट को देखते जाना है, और आप इस अल्टरनेट को जैसे सपोज करो मुझे लगा नहीं चार मेरा ठीक नहीं है, मेरा आंसर सही है थर्ड, तो मैं थर्ड पे क्लिक कर दूंगा तो फोर सेट जाएगा। एट ए टाइम किसी एक को चूज कर सकते हैं। इसका सही आंसर फोर है, इसलिए मैं वापस फोर पे आ जाता हूं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट बटन प्रेस करते ही सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट विच लेवल। तो ये हमने आपको पढ़ाया था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के सिक्स यूनिट में सभी लेवल की स्ट्रेटजी बनती है, कॉर्पोरेट लेवल की बनती है, डिविजनल की बनती है, फंक्शनल की बनती है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, तो फोर को मैंने कर दिया। अगर आप किसी समय जवाब चेंज करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4 में से उसको आप प्रेस कर देंगे, पुराना जवाब आपका ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ दीज सर्व एज ए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट ह्यूमन मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग टेक्निक, स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस, कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। तो इसका सही जवाब है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैंने आंसर दे दिया वन। अब सपोज करो मुझे आफ्टर थॉट ध्यान आता है, अरे यार सेकंड क्वेश्चन का मैंने सवाल का आंसर शायद गलत दे दिया, तो मैं प्रीवियस करूंगा तो सेकंड क्वेश्चन अपीयर हो जाएगा जिसको मैं पढ़ सकता हूं, और प्रीवियस करूंगा तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चला जाऊंगा। तो इस समय इस तरीके से आप कभी भी प्रीवियस और फॉरवर्ड करते हुए क्वेश्चन के बीच में मूव कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट कर देता हूँ थर्ड आ गया, अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन आ गया। विच इज द सेल्फ कंटेंट डिवीजन। आपको ध्यान होगा SBU को अपन सेल्फ कंटेंट डिवीजन कहते थे, तो चार आंसर है इसके, SBU डिविजनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट डिवीजन। तो इसका सही आंसर है SBU। तो जिस जिसका आप आंसर देते जाएंगे देखो आप उसको प्रॉपर एक कलर में ये फिल करता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रैटेजी फॉर द फ्यूचर विल रिक्वायर रिन्यूड एंड डीपेंड कोलाबोरेशन विद। किन के साथ करना पड़ेगा? फिजिशियंस के साथ करना पड़ेगा, जैसे आजकल कोरोना टाइम चल रहा है आपको पता है। तो अगर पूरे दुनिया भर के फिजिशियंस को मैं इकट्ठा कर दूँ तो जूम एप्लीकेशन से या किसी और से वो क्या कर सकते हैं, लोगों को सहायता देते हैं। आजकल ऐसे ऐप भी आ गए हैं जो आपको सहायता देते हैं। तो इसका सही आंसर है फिजिशियन। अब मेरे को मालूम है इसका फिजिशियन आंसर सही है, लेकिन मैं इसका आंसर देता हूँ नर्सेस फोर्थ, ठीक है, तो ये गलत होगा। आप देखेंगे फिफ्थ का आंसर जो है मैंने जानबूझ के रॉन्ग किया था कि आपको पता चले राइट कौन से और रॉन्ग कौन से, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज यूज विद रेफरेंस टू की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। विच इज यूज विद रेफरेंस टू ए की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर। स्ट्रेटजी होता है, मैनेजमेंट होता है, एजुकेशन होता है, मॉनिटरिंग होता है, तो मैनेजमेंट होता है। मैंने सिक्स का आंसर दिया टू, ठीक है। इस तरीके से एक एक करके आप आंसर देंगे, मैं एक घंटे का इसको टेस्ट आपके सामने नहीं दे जा रहा, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से टेस्ट दिया जाता है। आओ इसकी बाकी खूबियों को देखते हैं, मैं क्विज को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो कंप्लीट क्विज किया मैंने, जैसे मैंने कंप्लीट क्विज किया ये रिजल्ट को एनालाइज कर रहा है और मेरे सामने एक एनालिसिस आ गया। देखो टोटल मार्क्स करीब 36 सवाल थे एक एक नंबर के, तो टोटल मार्क्स इस पेपर के हैं 36। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टेस्ट पेपर वन है, मैंने आज 1 जून को 8:37:51 पे इस एग्ज़ाम को दिया है। टोटल क्वेश्चन 36 थे, टोटल मार्क्स मेरे 5 आए हैं और मैंने 6 सवालों का जवाब दिया था, 5 उसके सामने सही जवाब थे और एक मैंने आपके सामने जानबूझ के रॉन्ग किया था नर्सेज वाला, उसका सही जवाब था डॉक्टर्स, ठीक है। तो टोटल जो नहीं मैंने जवाब दिए वो है करीब 30 क्वेश्चंस। इस तरीके से मेरे इस रिजल्ट को मैंने देखा है, तो व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं अपन। अभी आपको बता देगा आपके करेक्ट आंसर्स कौन कौन से थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। मैंने फिफ्थ में नर्सेस का आंसर गलत दिया था, तो देखो वो जवाब मेरे पास आ गया सक्सेसफुल वाला। अगर मैं उसका जवाब बदल देता, डॉक्टर कर देता, फिजिशियन कर देता, तो ये आ जाते कौन कौन से अनअटेंडेड रह गए, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें रॉन्ग का सही आंसर क्या है वो हम यहाँ नहीं बताते जानबूझ के, ताकि आप खुद पढ़ के उसको जानने की कोशिश करें। अगर हम सब बता देंगे तो शायद अब टेस्ट देने का मज़ा चला जाएगा आपका। तो ये था एक टेस्ट देने का तरीका, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स में IT, SM और इसका के भी इस तरीके से इन सवालों के जवाब टेस्ट प्रिपरेशन में दे सकते हैं और अपनी तैयारियों को अच्छे से कर सकते हैं। ये सारी टेस्ट सीरीज़ हमारी तरफ से फ्री है और हम चाहेंगे हर स्टूडेंट अपनी तैयारी करने के बाद में अपने आप को MCQ के लिए यहाँ से चेक कर ले। और हमारे इस ऐप के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं ज़रूर रिव्यू वाले सेक्शन में जाके बताए गए, ताकि हम इसको और ज़्यादा अपने तरीके से इम्प्रूव कर सकें। तो ये था अपना एग्ज़ाम का टेस्ट प्रिपरेशन का तरीका जो आपने